हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने द डीपर यू डिग नाम की एक हॉरर फिल्म देखी जो कि सन 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को जॉन एडम्स और टोबी पोजर ने डायरेक्ट किया है और असल में ये एक फैमिली प्रोडक्शन है जिसमें डायरेक्टर्स और उनकी बेटी इस फिल्म में मेन प्रोटैगनिस्ट भी हैं। द डीपर यू डिग को IMDb पे मिले हैं 5.1 स्टार्स आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 97% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 75 आउट ऑफ 100। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर द डीपर यू डिग मूवी की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इस फिल्म के एंडिंग को भी डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि ये वीडियो डर्ट डायरी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के साथ एक कोलैबोरेशन में की गई है, जहां आपको इस फिल्म की कुछ थियरीज उनके आवाज में इसी वीडियो में सुनने को मिलेगी। इफ यू लाइक इट तो आप उनके चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत एक पुराने घर से होती है जिसमें अब कर्ट नाम का एक आदमी रहने आया है और वो इस घर को रिपेयर कर रहा है। दूसरी तरफ कर्ट के नेबरिंग घर में आईवी और उसकी बेटी एको रहते थे। आईवी एक साइकिक होती है, लेकिन अब उसकी साइट चली गई थी, यानी कि शी हैज लॉस्ट हर पावर्स। तो अब वो लोगों को बेवकूफ बना के पैसे कमाती थी। आईवी की बेटी एको एक गॉथ टीन थी जिसे स्लेजिंग करना और हंटिंग पे जाना बहुत पसंद था। तो एक रात कर्ट अपने डिनर के बाद कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कंज्यूम कर लेता है और जब वो रास्ते पर रात को गाड़ी चला रहा होता है तो उसके सामने एक डियर आ जाता है। डियर को बचाने के चक्कर में कर्ट की गाड़ी किसी चीज से अंधेरे में टकरा जाती है। जब कर्ट गाड़ी से बाहर निकल कर देखता है तो उसे एको की बॉडी रोड पर मिलती है और इससे कर्ट डर जाता है। एको असल में स्लेजिंग करने निकली थी और जब कर्ट को लगता है कि उसने एको को मार दिया था तो वो घबरा कर उसकी बॉडी और उसके स्लेज को अपनी कार में डालकर घर ले जाता है। कर्ट एको के बॉडी को एक पुराने टब में डाल देता है, पर तभी एको को होश आने लगता है और उसके मुंह से काफी खून निकलने लगता है। कर्ट अपनी गलती छुपाने के लिए एको को चोक करके मार देता है और एको की बॉडी को उसी टब में छोड़ जाता है। मीनवाइल काम से लौटने के बाद आईवी को घर में एको नहीं मिलती और इसीलिए वो पुलिस को कांटेक्ट करती है। तो अगली सुबह कर्ट ड्राइव करके नियर बाई डाइनर जाता है टू हैव सम फूड और रास्ते में उसे आईवी दिखती है, लेकिन कर्ट गाड़ी नहीं रुकता और हम व्यूअर्स देखते हैं कि आईवी एको का नाम लेकर उसे पुकार रही होती है। घर वापस आने के बाद कर्ट एको को रखे हुए पुराने टब में कुछ बिल्डिंग का सामान वगैरह डाल देता है टू हाइड हर बॉडी और तभी कर्ट के घर पुलिस भी आती है। ये दो पुलिस वाले कर्ट से एको के गायब होने के बारे में पूछताछ करने आए थे और कर्ट उन्हें कहता है कि उसे एको के बारे में कुछ नहीं पता। एक पुलिस वाले को कर्ट थोड़ा नर्वस लगता है, लेकिन किसी को भी कर्ट के ऊपर कोई शक नहीं होता। मीनवाइल आईवी एको के पोस्टर्स बनाकर तैयार करती है और अगली सुबह उन्हें एक पास वाले शॉप में भी देती है। इतना ही नहीं, आईवी पूरे टाउन में एको के पोस्टर्स भी पेस्ट कर रही थी और जब कर्ट उस शॉप में कुछ सामान लेने जाता है तो वो एको का पोस्टर देखता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे अपने गिल्ट के कारण कर्ट धीरे धीरे स्ट्रेंज बिहेव करने लगा था और घर आने के बाद कर्ट एको के बॉडी को एक प्लास्टिक में रैप करके फॉरेस्ट में दफना देता है। इसके बाद कर्ट घर वापस आता है और घर के रेनोवेशन का काम करने लगता है, पर फिर वो गुस्से में उस रूम के वॉल को तोड़ देता है जिसमें उसने एको के बॉडी को टब में रखा था। इतना ही नहीं, कर्ट उस टब को भी नीचे फेंक देता है और तभी आईवी कर्ट के घर आती है और वो कर्ट से एको के बारे में पूछती है। कर्ट आईवी से कहता है कि वो एको को नहीं जानता और उसने उसे कभी नहीं देखा। जब आईवी कर्ट के घर के पास से जा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे एको की आवाज सुनाई दे रही है और जब वो अपने घर जाती है और एको के रूम में एक ड्रॉइंग नोटबुक खोल के देखती है तो उसे उसमें एक साइन मिलता है जो कि खून से बना हुआ था। ये साइन असल में सेवन सर्कल्स के नाम से जाना जाता है और आईवी का मानना था कि ये एको की स्पिरिट उसे भेज रही थी। जी हाँ दोस्तों, जहां पुलिस को लग रहा था कि एको घर से भाग गई है, वहीं आईवी को अब लगने लगा था कि एको मर चुकी है। मीनवाइल कर्ट जो कि अपने घर को रेनोवेट कर रहा था, उसे कुछ अजीब आवाजें आती है और जब वो उन्हें इंस्पेक्ट करने जाता है तो उसे उसका रेडियो दिखता है जो कि ठीक से नहीं चल रहा था। कर्ट उसे बंद करने की कोशिश करता है पर वो बंद नहीं होता और उसे फिर से किसी की आवाज़ आती है। कर्ट को घर के एक हॉलवे में एक डॉग की लाश मिलती है और कर्ट को लगने लगा था कि कोई उसे परेशान कर रहा है।
वो अपना गन लाता है और घर में चेक करता है, जिसके बाद उसे एको की आवाज और फिर एको दिखाई देने लगती है। असल में अपने गिल्ट के कारण कर्ट हेलुसिनेट कर रहा था, पर वो एको के उस इमेज को देखकर उसे शूट करता है, जिससे विंडो का कांच टूट जाता है और वो रियलाइज करता है कि वहां कोई नहीं है। अब रेडियो की आवाज कर्ट को और भी इरिटेट करती है, जिसके बाद वो रेडियो को ही शूट कर देता है। दूसरी तरफ आईवी सेवन सर्कल्स के बारे में पढ़ने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि इसमें फंसी स्पिरिट ना लिविंग है ना ही डेड, यानी कि इको की स्पिरिट डेड और लिविंग वर्ल्ड में फंसी हुई है और आईवी इको को वापस लाने का तरीका ढूंढने लगती है। उसी रात कर्ट अपने घर में ठीक से नहीं सो पाता, क्योंकि जंगल में वुल्व्स हाउल कर रहे थे और अगली सुबह कर्ट बहुत लेट उठता है। कर्ट फिर जंगल में जाता है, जहां वो देखता है कि एको की कुछ बॉडी पार्ट जमीन के ऊपर विजिबल थे और वहां कर्ट को एको की आवाज भी सुनाई देने लगती है। कर्ट अपने गिल्ट में एको की बॉडी को जमीन से खोदकर बाहर निकालता है और फिर एक गहरा गड्ढा खोदता है, जिसमें वो एको की बॉडी को फिर से दफना देता है। लेकिन जब वो अपने घर वापस आता है तो उसे वहां एको फिर से दिखती है, जिसके ऊपर कर्ट अपने स्पेड्स फेंक देता है। लेकिन वो फिर से जंगल जाता है और अब वो एको की बॉडी को जमीन से बाहर निकाल कर उसके बॉडी को काट देता है और उन कटे पार्ट्स को अपने घर के पास वाले कुएं के अंदर डाल देता है। इतना सब करने के बाद भी दोस्तों एको की आवाज़ कर्ट को सुनाई दे रही थी, जो कि कर्ट को कन्फेस करने के लिए कह रही थी। इसी बीच आईवी अपने एक फ्रेंड के पास जाती है, जो कि एक साइकिक था। असल में आईवी का ये दोस्त कभी आईवी का स्टूडेंट हुआ करता था और आईवी उससे कहती है कि उसने अपने पावर्स को खो दिए हैं। आईवी अपने दोस्त से उसके बुक के बारे में भी पूछती है, जिसमें उसके दोस्त ने लिखा था कि उसके पास सेवन सर्कल्स की चाबी है। आईवी उससे बताती है कि एको उससे कम्युनिकेट कर रही है, पर आईवी का दोस्त कहता है कि ये शायद आईवी का मैटरनल इंट्यूशन है। आईवी अपने दोस्त से सेवन सर्कल्स की मांगती है और आईवी का दोस्त उसे वार्न करते हुए उसकी हेल्प करने को राजी हो जाता है। आईवी के दोस्त का कहना था कि सेवन सर्कल्स को खोलने के बाद आईवी को रिपे करना होगा, जो कि एक पेनफुल एक्सपीरियंस होगा। हम व्यूअर्स फिर आईवी को एक जगह देखते हैं, जहां एक आदमी उसे वुल्फ के पार्ट्स खिला रहा होता है और आईवी चोक कर रही होती है। लेकिन फिर आईवी की आंख खुलती है और वो रियलाइज करती है कि ये सिर्फ एक विजन था। आईवी फिर पुलिस वालों से मिलती है और उन्हें बताती है कि एको घर से भागी नहीं है, बल्कि वो एक दूसरी दुनिया में ट्रैप्ड है। आईवी कहती है कि वो एको को ढूंढना चाहती है और इसके लिए उसे पुलिस की मदद चाहिए, लेकिन पुलिस वाले आईवी की बात को सीरियसली नहीं लेते और वो आईवी को एको के बारे में ढेर सारे सवाल पूछने लगते हैं, जिससे आईवी ओवरवेल्म हो जाती है। इसी बीच कर्ट, जो कि अपने घर में काम कर रहा होता है, उसे वहां एको फिर से दिखाई देने लगती है और वो खुद से बातें करते हुए कहता है कि उसे पता है कि ये एको रियल नहीं है। लेकिन दोस्तों एको कर्ट से कहती है कि शी इज एज रियल एज डेड। कर्ट की साइकोलॉजिकल कंडीशन बहुत खराब थी और हम देखते हैं कि कैसे उसके गिल्ट ने उसके माइंड को अपने कंट्रोल में कर लिया है। मीनवाइल आईवी ड्राइव करके कहीं जा रही होती है और रास्ते में आईवी को इको का विजन आता है। तभी आईवी पानी से बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि आईवी असल में रिवर के अंदर थी, जहां उसे इको का विजन आया था। आईवी को वहां एक आदमी मिलता है, जो आईवी से अपनी कार हटाने के लिए कहता है और फिर सीन शिफ्ट होकर कर्ट को दिखाती है। कर्ट एज यूजुअल रेनोवेशन में लगा हुआ था और काम करते करते उसके हाथ से एक टूल फिसल कर गिर जाता है। कर्ट अपने टूल को लेने बेसमेंट में जाता है, जहां उसे कुछ आवाजें आती है। इसके बाद उसे एको की आवाज फिर से आती है और जब वो लाइट जलाकर देखता है तो उसे जमीन पर एक डियर के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके ठीक बाद कर्ट को इको दिखाई देती है, जो उस पर काइंड ऑफ अटैक कर देती है और इस अटैक से कर्ट का मुंह घायल हो जाता है। जब कर्ट बेसमेंट से निकलता है तो हम देखते हैं कि कर्ट के हाथों में उसका टूल था, जिससे ये पता चलता है कि शायद कर्ट ने खुद को घायल किया था, क्योंकि उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन अब बहुत बिगड़ गई थी। कर्ट को फिर से एको दिखाई देती है और एको कर्ट से कहती है कि अब वो पूरी तरह कर्ट के दिमाग में घुस चुकी है और ये कहकर वो गायब हो जाती है। लेकिन एको के गायब होने के बाद जब कर्ट फिर से अपने हाथों को देखता है तो उस पर लगा खून भी अब गायब हो चुका था, यानी कि कर्ट ने बेसमेंट में जो भी देखा और जो चोटें उसे लगी थी वो सब कर्ट की सिर्फ एक हेल्यूसिनेशन थी। नेक्स्ट हम कर्ट को एक शॉप में देखते हैं, जहां कर्ट एक सिनेमन कैपेचिनो खरीद कर पीता है, जस्ट लाइक एको, जिसे ये कॉफी बहुत पसंद थी। और कर्ट के इस चॉइस को शॉप का ओनर भी नोटिस करता है, जो कि एको को पहले से जानता था। खैर, कर्ट अब आईवी के घर जाता है, जहां आईवी कर्ट को सिनेमन कॉफी देती है विद एक्स्ट्रा मार्शमेलोस, जैसे कि एको को पसंद था। इसके बाद आईवी कर्ट के लिए एक टैरोट कार्ड रीडिंग करती है, जिससे कर्ट थोड़ा क्रीप आउट हो जाता है, क्योंकि ये रीडिंग कर्ट के गिल्ट को एग्रवेट कर देती है।
कर्ट खुद को एक्सक्यूज करके बाथरूम में जाता है जहां वो टॉयलेट पर बैठ कर पी करता है। एंड दिस वॉज वियर्ड क्योंकि यूजुअली मेन खड़े होकर पी करते हैं, और इस बात को छुपाने के लिए कर्ट टॉयलेट सीट को उठाकर चला जाता है। असल में ये सब डिटेल्स इस बात को सिंबलाइज करते हैं कि एको की स्पिरिट कर्ट के शरीर में अपनी जगह बनाए जा रही है। यही वजह थी कि कर्ट एको के पसंदीदा कॉफी वगैरह भी पीने लगा था। इस सीन के बाद आईवी को एक विजन आता है जहां वो खुद को एक टैरोट कार्ड रीडिंग दे रही थी, और इसमें एक दूसरी आईवी जो जोकर ड्रेस पहनी हुई थी, वो आईवी द कार्ड रीडर से एको को कांटेक्ट करने के लिए कहती है। रीडिंग में डेथ कार्ड आता है और आईवी पहले तो एको से कांटेक्ट नहीं कर पाती, और फिर जोकर वाली आईवी रीडर आईवी को कुछ पैसे देती है, जिसके बाद अचानक एको की आवाज आती है जो कहती है टेल माई मदर वॉट यू डिड टू मी। सीन अब शिफ्ट होकर आईवी को एक कमरे में दिखाता है जहां आईवी सेवन सर्कल्स वाले बॉक्स को टेबल पर स्मैश कर देती है, जिसके बाद वो खुद को एक अनजान जगह में पाती है जहां वो चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम आईवी को वही टेबल पर बैठे देखते हैं जिसके हाथों में अब भी सेवन सर्कल्स वाला बॉक्स था, और हम जानते हैं कि जो कुछ भी आईवी ने देखा वो सब एक तरह का विजन्स था। यहां मैं आपको बता दूं कि आईवी खुद को एक क्लाउन के रूप में इसलिए देखती है क्योंकि शी वॉज फीलिंग गिल्टी। जैसा कि मूवी के बिगिनिंग में हमने देखा था कि अपने साइट को खोने के बाद आईवी लोगों को कॉन करके पैसे कमाती थी, सो द क्लाउन रिप्रेजेंटेड हर गिल्ट एंड हर बीइंग ए कॉन आर्टिस्ट। खैर, अगले सीन में हम कर्ट को अपने बाथरूम में देखते हैं जो कि खुद से कह रहा है कि टेल माई मदर वॉट यू डिड टू मी, और ये सीन हमें ये बताती है कि इको की स्पिरिट अब पूरी तरह कर्ट के बॉडी को टेक ओवर कर चुकी थी। कर्ट इको की स्पिरिट से कहता है कि अगर वो उसके बॉडी को छोड़कर नहीं गई तो वो आईवी को मार देगा, और इसके बाद कर्ट को उल्टियाँ होती है जिसमें खून और मैगेट्स निकलते हैं। ये सीन इस बात को सिंबलाइज करती है कि एको की बॉडी के साथ बड़ी होने के बाद जो कुछ भी हो रहा था वही सेम अब कर्ट के बॉडी के साथ हो रहा है। यानी कि एको की बॉडी जैसे जमीन के नीचे सर रही थी, वैसे ही सेम कर्ट के साथ रेप्लिकेट होने लगा था। कर्ट की बॉडी अब साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली इफेक्ट हो रही थी। नेक्स्ट हम आईवी को जंगल में देखते हैं जहां एको की स्पिरिट जो कि आसमान में अपीयर होती है, वो आईवी से हंटिंग के बारे में और डेथ के बारे में बातें करती है। जब आईवी घर वापस आती है तो उसे कर्ट मिलता है जो आईवी के लिए एक कार्व्ड पंपकिन लाया था, और ये बात आईवी को स्ट्रेंज लगती है क्योंकि एको को भी पंपकिन कार्विंग बहुत पसंद था। आईवी को कर्ट से बातें करके ये लगने लगता है कि कर्ट के हाव भाव एकदम एको जैसे हैं, और इस बात से वो सोच में पड़ जाती है। कर्ट अब घर आकर स्केच करने लगता है और आईवी की तस्वीर बनाता है, और दोस्तों एको को भी स्केच करना बहुत पसंद था। कुछ देर बाद आईवी कर्ट के घर आती है और आईवी कर्ट को हंट पर जाने के लिए इनवाइट करती है। जंगल में कर्ट देखते ही देखते एक डियर को शूट कर देता है, और वो भी एकदम एफर्टलेसली करता है। आईवी को अब स्ट्रेंज लगने लगता है क्योंकि कर्ट के काफी सारे हरकतें एको जैसी थी, और तो और कर्ट हंट के बाद कहता है कि उसने 7 कंप्लीट कर लिया है, यानी कि उसने अपने 7 डियर्स को मारने का रिकॉर्ड फुलफिल कर लिया। ये बात आईवी को सबसे अजीब लगती है क्योंकि इस रिकॉर्ड को कंप्लीट करने का गोल तो एको का था, फिर कर्ट को इस बारे में कैसे पता चला? कर्ट भी ये बात बोलने के बाद कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो वहां से डियर के डेड बॉडी को लेकर चला जाता है। आईवी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन कर्ट अजीब बातें करता है जैसे कि आई एम ऑलमोस्ट देयर, और दोस्तों ये असल में एको की स्पिरिट है जो कर्ट की बॉडी में ऑलमोस्ट पूरी तरह आ चुकी है। एनीवेज, तभी कर्ट आईवी के पास आता है और उन्हें मॉम बोलकर उन्हें हग करता है। कर्ट के वहां से जाने के बाद आईवी अपने घर आती है और एक टैरोट कार्ड रीडिंग करती है ये जानने के लिए कि एको के स्पिरिट कहाँ है, और फिर आईवी को एक विजन आता है जिसमें एको एक स्विंग पर होती है, लेकिन देखते ही देखते स्विंग पर एको के बदले कर्ट होता है। इस विजन के बाद आईवी को पता चल गया था कि कर्ट ने ही एको को मारा है, और एको के स्पिरिट अब कर्ट के बॉडी में आने लगी है। आईवी पुलिस को कॉन्टैक्ट करके बताती है कि कर्ट इज ए किलर, लेकिन पुलिस वाले उसकी साइकिक बातों को सीरियसली नहीं लेते। आईवी अब कर्ट के घर आती है जहां उसे दीवार पे कर्ट लिखा मिलता है, और घर में आईवी को एको का स्लज भी दिखता है। कर्ट जब आईवी के सामने आता है तो आईवी उसे मारने लगती है और कर्ट हंसने लगता है, लेकिन तभी कर्ट के बदले आईवी इको को पाती है जिसके मुंह से खून निकल रहा था, और आईवी रुक जाती है। आईवी को अब कर्ट के हंसने की आवाज उसके पीछे से आ रही होती है, और हम देखते हैं कि आईवी तो किसी को मार नहीं रही थी बल्कि बस हैलुसिनेट कर रही थी। कर्ट जो कि अब आईवी के पीछे था, वो एक सौ लेकर अपना सर काट देता है, और आईवी वहीं खड़ी रहकर देखती रह जाती है। इतने में कर्ट एक दूसरी जगह से बातें करता है और आईवी पीछे मुड़कर असली कर्ट को देखती है। जी हाँ दोस्तों, आईवी अब तक जिस कर्ट को देख रही थी वो सब सिर्फ उसके विजन्स या फिर हेलुसिनेशंस थे। आईवी और कर्ट के बीच हाथापाई होती है और आईवी कर्ट के बॉडी में एक स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है। कर्ट अब आईवी को मॉम बोलकर ट्रिक करता है और वो आईवी के सर पे मार देता है, जिससे आईवी बेहोश हो जाती है।
जब कर्ट आईवी को बड़ी करने जाता है तो आईवी उठकर कर्ट के स्टमक में घुसे स्क्रू ड्राइवर को निकालकर कर्ट के आंखों में घुसा देती है। जी हाँ दोस्तों, आईवी सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी और इस अटैक के पेन से कर्ट जमीन पे गिर जाता है। कर्ट अब आईवी से कहता है कि V1, और आईवी कर्ट के सर पर मार देती है, जिसके बाद सीन ब्लैंक हो जाता है। अगले सीन में हम आईवी को सिनेमन कॉफी बनाते देखते हैं और वो इस कॉफी को कर्ट के सामने रख देती है, जिसके बाद कर्ट, जिसकी एक आंख अब डैमेज थी और बैंडेज होती है, वो आईवी को थैंक्स मॉम कहता है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द डीपर यू डिग मूवी की कहानी, और अब हम इस मूवी की एंडिंग और ढेर सारी थियोरीज को लेकर कुछ बातें करने वाले हैं। अब इनमें से कुछ थियोरीज आपको मैं नहीं बल्कि अर्श बताएंगे, जो कि डर डायरी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के ओनर हैं। तो आखिर इस एंडिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कर्ट और आईवी की हाथापाई होती है तो वो कर्ट था जो कि एको की स्पिरिट को उसकी बॉडी को टेक ओवर करने से रेजिस्ट कर रहा था, और अपने क्राइम को छुपाने के लिए कर्ट आईवी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अल्टीमेटली एको की स्पिरिट कर्ट के बॉडी में पूरी तरह सेटल हो जाती है, और इसीलिए वो कर्ट के थ्रू बोलती है कि वी वॉन। सो वी कैन से दैट इस मूवी में एको का स्पिरिचुअल रीबर्थ हुआ है इन कर्ट्स बॉडी। इस मूवी में डांटे की डिवाइन कॉमेडी को यूज़ किया गया है, जिससे सेवन सर्कल्स का कॉन्सेप्ट लिया गया है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लेकर मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक ग्रीविंग माँ सेवन सर्कल्स के थ्रू जाकर अपनी बेटी की डेथ की मिस्ट्री को अनकवर करती है, और फाइनली एको को कर्ट की बॉडी में पाकर आईवी को क्लोजर मिलता है। इसके अलावा मूवी ये भी दिखाता है कि कैसे कर्ट का गिल्ट उसकी बॉडी और माइंड को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और इस पूरे प्रोसेस के एंड में एको का कर्ट के बॉडी में स्पिरिचुअल रीबर्थ होता है। इस मूवी का नाम भी कर्ट के होपलेस एफर्ट्स को दर्शाता है, जिसमें वो जितना चाहे एको को अपने माइंड से निकालने की कोशिश करता है या फिर एको की बॉडी को डिस्पोज करता है, पर एट द एंड वो एको के रीबर्थ को रोक नहीं पाता। द डीपर यू डिग नाम इसी बात को सिग्निफाई करता है। कर्ट के बॉडी में एको का स्पिरिचुअल रीबर्थ को हम कर्ट के घर से भी कंपेयर कर सकते हैं। मूवी के बिगिनिंग में ये घर एकदम खंडर जैसा था, पर बाय द एंड कर्ट ने पूरे घर को रेनोवेट कर लिया था, और ये बात असल में एको के स्पिरिचुअल रीबर्थ की जर्नी को सिंबलाइज करती है। इस मूवी का अल्टीमेट थीम है लाइफ, डेथ और रीबर्थ का साइकिल, जिससे बड़े ही इनोवेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, विच इज़ वाई इस मूवी की रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ओवर टू यू दिव्यांशु। थैंक यू अर्श। नाउ टॉकिंग मोर ऑन द थियरीज, द डीपर यू डिग मूवी की दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम है गिल्ट, और हमने इस फिल्म में हर एक मेन कैरेक्टर को उनके गिल्ट ट्रिप पे जाते देखा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ओरोबोरोस सिंबल, जिसमें स्टार्ट और एंड मीट करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द डेथ एंड रीबर्थ साइकिल। नाउ देयर आर सम अदर सिंबलिजम्स टू, जो कि डांटेस पर्गेटरी के सेवन टेरेसेस ऑफ हेल से इंस्पायर्ड है, लाइक आईवी का फ्लैश खाना ग्लुटनी को सिंबलाइज करता है, आईवी बीइंग ए कॉर्न सिंबलाइजेस ग्रीड, आईवी गोइंग टू हर स्टूडेंट सिंबलाइजेस प्राइड, हर स्टूडेंट्स बुक ऑन साइकिक स्टफ सिंबलाइजेस एनवी, आईवी का वाटर से इमर्ज करने वाला सीन वेयर शी लेफ्ट हर कार ऑन द रोड सिंबलाइजेस स्लॉथ, एंड शी अटैकिंग ऑन कर्ट सिंबलाइजेस रैथ। इस फिल्म में लस्ट का कोई लिटरल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, बट इन सम सेंसेस लस्ट को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर बोला जाता है इन ऑर्डर टू गेट समथिंग। ऐसा देखा जाए तो आईवी वॉज लस्टफुल टू फाइंड हर डॉटर। नाउ देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोटेस्क बाय मिखेल बख्तिन, और इस कॉन्सेप्ट को सिंपल वे में समझाना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत समझाते हुए द डीपर यू डिग मूवी को इस कॉन्सेप्ट से लिंक करूंगा, लेकिन उससे पहले एक फेयर वार्निंग कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, एंड आई माइट नॉट बी एक्यूरेट। सो सिंपली पुट, बख्तिन्स की ग्रोटेस्क बॉडी थ्योरी हमें यह बताती है कि एक बॉडी में अपर और लोअर लेवल्स होते हैं, साथ ही साथ हमारे बॉडी में एक लिमिनल पार्ट है जहां से वी गेट इन कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। इस थ्योरी के हिसाब से बॉडी प्योर है एंड इट इज जस्ट लाइक ए टेम्पल, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड डर्टी है। बॉडी के लिमिनल पार्ट्स है आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, एनस, यूरेथ्रा, जहां से बॉडी का वेस्ट बाहर निकलता है, लेकिन इन्हीं पार्ट से बाहर की गंदगी अंदर भी आ सकती है।
हमारा माउथ इवेंचुअली हमारे एनस से कनेक्टेड है, जहां नो मैटर आप अपर बॉडी से क्या करें वो लोअर बॉडी से बाहर निकलेगा ही। सो द एक्ट ऑफ स्वॉलोइंग इज द मोस्ट एंशियंट सिंबल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, और ये एक ओपन गेट की तरह है जहां से आउटसाइड वर्ल्ड थिंग्स हमारे बॉडी के अंडरवर्ल्ड में जाते हैं। सिमिलरली ह्यूमंस हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और उन्हीं ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स बाहर निकलते हैं। नाउ ये ग्रोटेस्क बॉडी की बहुत ही हाई लेवल एक्सप्लेनेशन है, और अब मैं आपको इस थियरी की द डीपर यू डिग मूवी में दिखाए गए कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। सो खाना खाना, पी करना, वॉमिट करना, ये सब ग्रोटेस्क बॉडी का पार्ट है, और इन सबको डेथ से कनेक्ट किया जाता है। कर्ट का इको बन जाना फिगरेटिव रीबर्थ को सिंबलाइज करता है, और दोस्तों शायद आपने ध्यान दिया होगा कि हम व्यूअर्स कर्ट को दो बहुत ही क्रूशियल सीन्स में खाते देख पाते हैं, वन बिफोर ही किल्स इको एंड वन आफ्टरवर्ड्स। इसके बाद वो ब्लड और मैगट्स वॉमिट करता है एज इफ उसकी बॉडी डेथ को एक्सपीरियंस कर रही है, जैसा इको का दफनाया शरीर महसूस कर रहा होगा। फिर वो सीन जब कर्ट पी करने जाता है और वो टॉयलेट सीट पर बैठ कर पी करता है, वो भी इस थियरी को डिपेक्ट करती है। इको का कर्ट के शरीर पे काबू पाना एक वे था जिससे शी वाज पनिशिंग कर्ट्स वॉयलेंस ट्रांसग्रेशन। नाउ टैरट कार्ड रीडिंग वाले सीन में हम व्यूअर्स हाई प्रिस्टेस वाली कार्ड देखते हैं, और ये कार्ड ड्यूअलिटी एंड बाइनरी बिटवीन मेल एंड फीमेल को सिंबलाइज करती है। देयर आर अदर माइन्यूट डिटेल्स टू दिस, इसको समझाने के लिए मुझे खुद काफी कुछ पढ़ना होगा और वो ज्यादातर लोगों को समझ भी नहीं आएगी, सो वी कैन स्किप दैट पार्ट। वक्ते लिखते हैं कि ए बॉडी इज द एक्ट ऑफ बिकमिंग, नेवर फिनिश्ड, नेवर कंप्लीटेड, इट इज कंटिन्यूअली बिल्ट, क्रिएटेड एंड बिल्ड्स एंड क्रिएट्स अनदर बॉडी, एंड दैट ग्रोटेस्क इमेजरी कंस्ट्रक्ट्स व्हाट वी माइट कॉल इट डबल बॉडी। ये स्टेटमेंट कर्ट के हाउस रिस्टोरेशन और इको के उसके बॉडी पे कंट्रोल पाने को दर्शाती है, जिसका जिक्र इस वीडियो में पहले ही हो चुका है। सो इफ यू सी, ग्रोटेस्क थियरी को इस फिल्म में अच्छे से डिपिक्ट किया गया है, एंड आई कैन नॉट गो मच डीपर क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा लिटरेचर को पढ़ना होगा और समझना होगा, जिसमें काफी वक्त लगता है और वीडियो बहुत लंबी होगी। मैंने इस पूरे ग्रोटेस्क थियरी वाली बात को एक अमेजिंग वेबसाइट पे पढ़ी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड आई वुड स्पेशली लाइक टू थैंक सौम्या जिन्होंने इस फिल्म की इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी है। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑन द मूवी द डीपर यू डिग, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आई होगी। रही बात रिकमेंडेशंस की, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डर डायरी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल को भी जरूर चेकआउट करना, जहां आपको अमेजिंग हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगी। अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।